अलैकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिंक कंपनीज के बारे में बताऊंगा कि लिंक कंपनीज क्या होती हैं और वो कैसे आपको बेनिफिट देती हैं। आप लोग अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर रहे हैं, आप एजेंसी चला रहे हैं, आप सर्विसेज बेच रहे हैं, आपने अमेरिका में एक LLC खोली हुई है, आपने पाकिस्तान में भी कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं और पाकिस्तान में भी आपने एक लीगल एंटिटी क्रिएट की हुई है, तो इन्हें आप लिंक कर दें। अच्छा, लिंक अपने करने के 3 फ़ायदे होते हैं। नंबर एक, फ़ायदा नंबर वन, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। आप मनी को फ्रीली मूव कर सकते हैं दोनों कंपनीज के दरमियान। तो अमेरिका से कोई आपको पाकिस्तान से इन्वॉइस भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्वॉइस इशू नहीं करेंगे, आप सिंपली मदर कंपनी से चाइल्ड कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र कर दें या चाइल्ड कंपनी से मदर कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो मनी की फ्री मूवमेंट सबसे बड़ा एडवांटेज है। नंबर टू, सेकंड बेनिफिट नंबर टू, एम्प्लॉयज़ की मूवमेंट। तो आपका एम्प्लॉय एक मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में कोई एम्प्लॉय, आप उसको अमेरिका मूव कर सकते हैं बहुत आराम से L1 वीज़े के ऊपर, अगर आपकी दोनों कंपनियाँ आपस में लिंक्ड हैं और आपने मदर चाइल्ड का ऑलरेडी रिलेशनशिप बनाया हुआ है। नंबर तीन, बेनिफिट नंबर तीन, आपकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग हो जाती है इससे। अच्छा, प्रोफाइलिंग आपके काम आती है एज अ बिजनेस ओनर। कल को आपने अपना U2 वीज़ा करना है, आपने खुद अपने आप को अमेरिका मूव करना है, एज अ इन्वेस्टर मूव करना है, या आपने इमिग्रेशन में अप्लाई करना है, आपकी प्रोफाइल ये कहती है कि आपकी जो यूनाइटेड स्टेट्स की LLC है उसके अंदर 50 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन टेक्निकली वो 50 एम्प्लॉयज़ US LLC के अंदर पेरोल के ऊपर नहीं, वो 50 एम्प्लॉय पाकिस्तानी कंपनी के पेरोल पे हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी कंपनी है, ये एंटिटी ओन्ड बाय अमेरिकन LLC है, तो ये टेक्निकली अमेरिकन LLC की ओनरशिप में आ जाते हैं सारे एसेट। तो आपके पाकिस्तानी एम्प्लॉयज, पाकिस्तानी कंपनी, ये सब अमेरिकन कंपनी के ओनरशिप में आ गए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेरी अमेरिकन कंपनी, इसमें 50 एम्प्लॉयज हैं, जो कि टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तानी एंटिटी की एम्प्लॉयज हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी एंटिटी जो है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड एसेट है अमेरिकन कंपनी का, जिसकी वजह से आपकी अमेरिकन कंपनी की प्रोफाइल बहुत बड़ी हो गई। और आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जी मेरे तो 50 एम्प्लॉयज हैं अमेरिकन कंपनी के अंदर। तो ये कहलाता है लिंक कंपनी का बेनिफिट। अच्छा, लिंकिंग कैसे क्रिएट होती है, ये आप इसे कंपनी लीगल रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप sunnyali.com/restructure पे चले जाएं और वहाँ पे फॉर्म फिल कर दें, फिर टीम आपको गाइड कर देगी इसमें और आप अपनी कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो अब इन द लॉन्ग रन आपको मनी की फ्री मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना IRS तंग करेगी, ना FBI तंग करेगी। आपकी पाकिस्तानी एंटिटी जो है वो कॉस्ट सेंटर बन जाएगी, वो प्रॉफिट सेंटर नहीं होगी। उसमें फिर आप रेवेन्यू नहीं लाएंगे, आप रेवेन्यू अमेरिका से लाएंगे और मनी को ट्रांसफर कर देंगे पाकिस्तान, एम्प्लॉयज की सैलरियाँ पे करने के लिए, और टेक्निकली टैक्स ऑप्टिमाइजेशन भी मिल जाएगी इसमें आपको, क्योंकि जिस मुल्क में टैक्स ज़्यादा है आपकी कोशिश होगी वहाँ से मनी निकाल के मैं कम टैक्स वाले मुल्क में पहुँचा दूँ और एम्प्लॉयज़ की सैलरियाँ दे दूँ, तो उससे आपका टैक्स भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, आपका टैक्स अमेरिका में बहुत कम हो जाएगा। ऊपर से आपकी एम्प्लॉयज़ की मूवमेंट भी आसान होगी, 2 साल के बाद आप अमेरिका का L1 वीज़ा अप्लाई करें अपने लिए या अपने एम्प्लॉय के लिए, तो आप अपने एम्प्लॉय को भी अमेरिका ट्रांसफर कर सकते हैं L1 के ऊपर, पाकिस्तानी एंटिटी से अमेरिकन एंटिटी के ऊपर, और अपने लिए आप E2 कर लें। E2 का सक्सेस रेट 87% है इस वक्त। तो आपकी प्रोफाइल जितनी सॉलिड होगी कि जी आपका बिजनेस अमेरिका में भी है, वहाँ रेवेन्यू आ रहा है, इधर पाकिस्तान में आपके एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और दोनों कंपनियाँ जो हैं वो एक ही एंटिटी के अंदर हैं, और अब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं अमेरिका में, तो आप उसके ऊपर E2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप E2 वीज़े की मेरी अलग से भी वीडियो देख लीजिएगा और यहाँ पे भी आप टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको E2 वीज़े के ऊपर भी गाइड कर देंगे। तो पहला स्टेप है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को रीस्ट्रक्चर करें ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाएँ उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के रीस्ट्रक्चर होने की वजह से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।